हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक थॉट शेयर कर रही हूँ और वो ये कि हमारे सभी के घरों में दिवाली की सफाई में बहुत सारा वेस्ट सामान निकलेगा। आप उसे फेंकने की बजाय कुछ अमेजिंग चीज़ क्रिएट करें या फिर मेरी तरह प्लांट ग्रो कर लें। तो देखिए, प्लास्टिक की जो बॉटल है उसमें मैंने ऑफिस टाइम प्लांट की कटिंग्स लगाई है और बहुत अच्छे से ये लग गई है। तो जो भी वेस्ट सामान निकले उसमें आप प्लांट्स लगाएं। तो कुछ मैंने जो प्लांटर तैयार किए मैं आपको दिखा रही हूँ। पुराना प्लास्टिक का डब्बा था, उसे मैंने मनी प्लांट लगाई है। मनी प्लांट काफ़ी अच्छे से लगी है। तो जो पुराना वेस्ट सामान जो भी निकले उसे आप फेंके नहीं, फेंकने के बजाय कुछ अमेजिंग चीज़ क्रिएट करें। अगर ना करें तो मेरी तरह प्लांट लगा लें। ये देखिए, ये इजी की बोतल थी और इसमें मैंने पर्पल हार्ट की कटिंग लगा दी है और इसे तो आप टाँक भी सकते हो। तो इस तरह की फ्री के प्लांट आप घर में तैयार कर सकते हो, बहुत ही सस्ते में तैयार हो जाते हैं। और कटिंग्स वाले प्लांट भी आप लगा सकते हो। और ये अधिकतर जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने सारे ही कटिंग से तैयार किए हैं। कुछ ही ऐसे हैं जो मैंने बाजार से लिए होंगे या फिर कहीं से लाके लगाए हैं। तो ये देखिए, मरवे का जो पौधा है ये पुराने मटके में लगा हुआ है, जो नवरात्रों में जो पूजा का जो कलश है उसे भी आप बिल्कुल ना फेंकें, उसमें भी आप प्लांट लगाएं। ये प्लास्टिक का डब्बा है, इसमें भी मैंने प्लांट लगाए हैं। और सभी प्लांट अधिकतर या तो कटिंग से या फिर बीज से ही लगाए हुए प्लांट हैं। ये देखिए, डब्बे के अंदर हमारा प्लांट कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। प्लास्टिक का डब्बा है, बस नीचे मैंने इसमें होल बना दिए हैं और आँख और मुंह बना के अपना प्लांटर तैयार कर लिया। तो इस तरह के प्लांटर आप बनाएं। एक टूटा हुआ जग मेरे पास पड़ा था, उसमें भी मैंने पर्पल हार्ट की कटिंग लगा दी है और काफ़ी अच्छी और घनी ये हमारी हो गई है। और ये देखिए, ऑयल कैन के भी मैंने प्लांटर तैयार किए हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे प्लांटर हम फ्री में तैयार कर सकते हैं। देखिए, फिनाइल की जो बोतल थी उसको मैंने ऊपर से कट करके और उसमें भी प्लांट लगाए हैं। तो काफ़ी पहले मैंने लगाए थे, काफ़ी बड़े भी हो गए हैं इसी में। तो छोटे छोटे प्लांटर आप तैयार करके भी अपनी बालकनी को सजा सकते हैं। देखिए, ऑयल कैन से मैंने सुंदर सी डोल तैयार की है और इसमें मैंने पर्पल हार्ट की ही कटिंग इसमें लगा दी है। तो इस तरह के फ्री के प्लांट आप लगा सकते हो। प्लांटर तो आप काफ़ी सारे घर में बना ही लोगे। तो देखिए, पूरी फैमिली यहाँ मैंने बना के रखी हुई है, साथ में डोगी भी रखा हुआ है, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके अलावा देखिए, पूजा के जो कलश होते हैं उसमें मैंने डायरेक्ट भी प्लांट लगा दी है। तो एलोकेसिया का प्लांट मैंने इसमें लगाया है और इसके अलावा पत्थर चट्टा भी मैंने लगा दिया है। पत्थर चट्टा को तो आप एक पत्ते से भी लगा सकते हो, तो कहीं भी इसकी कटिंग दिख जाए आप लाके इसे लगा लें। और ये तो काम भी बहुत आता है, बिल्कुल मेडिसिन प्लांट है। और ये देखिए, अपराजिता, इसको मैंने बीज से ग्रो किया है। और ये देखिए, एक और मटके के अंदर मैंने कटिंग से अजवाइन का पौधा लगाया। देखिए कितना हेल्दी है, कितने अच्छे से इसमें लगा हुआ है। तो प्लांटर भी हमारा फ्री का और प्लांट भी हमारा फ्री का, तो हो गई ना जीरो बजट में गार्डनिंग। तो इस तरह के आप प्लांट लगाएं। और ये देखिए, एकदम पुरानी बकेट थी, इसे मैंने स्नैक प्लांट की कटिंग लगाई थी और काफ़ी बड़ी बड़ी अभी हो गई है। और इसे मैंने मिक्स करके प्लांट लगाए। देखिए, साथ में इसमें ये एलोकेसिया का प्लांट भी है और साथ ही इसमें स्नैक प्लांट भी है। तो छोटे से पोट में कितने सारे प्लांट हमारे यहाँ ग्रो हो गए हैं। तो बहुत अच्छा, एकदम हरा भरा सा ये लग रहा है, बहुत ही सुंदर ये लग रहा है। तो इस तरह से आप फ्री में काफ़ी सारे प्लांटर तैयार करके उनमें कटिंग्स वाले प्लांट भी आप लगा सकते हो। रिजल्ट आपके सामने है, सारे प्लांट मेरे बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। और ये देखिए, कितने अच्छे बड़े बड़े इसकी पत्तियाँ हैं, एकदम पूरा जो एरिया है बिल्कुल इसने कवर कर रखा है, बिल्कुल हरा भरा ये लग रहा है। तो इस तरह से प्लास्टिक की जो बोतल है उनमें भी लगा सकते हो। देखिए, ये जेड प्लांट की कटिंग मैंने लगाई थी, छोटी सी कटिंग ही काफ़ी बड़ी हो गई है। और ये अपराजिता मैंने बीज से ग्रो की है, उसमें फूल भी खिला था कल, ये ब्लू वाली अपराजिता है और छोटे से गमले में मैंने इसको लगा दिया था। तो इसको बीज से मैंने ग्रो किया है। और ये स्पाइडर जो प्लांट है ये मैं किसी के घर गई थी तो वहाँ से छोटा सा प्लांट लेके आई थी। अब तो इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे और नए प्लांट इसमें ग्रो हो रहे हैं। तो इस तरह से एक बार हम प्लांट लगा लेते हैं तो काफ़ी सारे प्लांट बाद में तो हमारे तैयार हो ही जाते हैं। तो इस तरह से आप प्लांट्स लगाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।